ब्लॉक एलिया के अंतर्गत ग्राम रामपुर नया गांव गौशाला बनी हुई है, जहां पर सैकड़ों गोवंश हैं। ना तो वहां चारे की कोई व्यवस्था है और ना ही भूसा चारा रखने की सही व्यवस्था। जी हां, रामपुर नया गांव के किसानों द्वारा दी गई जानकारी पर मौके पर पहुंचे किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू। लिखे ये रिपोर्ट। साथियों, एक गौशाला देखिए बना हुआ है, गोवंश आपको आइए हम इसके अंदर का हाल आपको दिखाते हैं के अंदर जो गौशाला में जानवर है उनका क्या हाल है। चारा देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे हरे चारे वाली मशीन है ना, हरे चारे की व्यवस्था। इतना सा पड़ा है, थोड़ा सा भूसा पड़ा है और जानवर भूखे हैं। आप देख सकते हैं सब जानवर देखिए खड़े हैं, सब ये गोवंश सब जो है सब ये देखिए आप सब भूखे पड़े हैं। ये है गौशाला का हाल। गौशाला के नाम पे पैसा आता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है कि गौशाला की व्यवस्था करी, गौशाला का पैसा। ये देखिए टीम इतनी नीचे डाली हुई है कि मानक से बहुत नीचे है। इतनी गर्मी जब इंसान को लगती है तो क्या जानवरों को गर्मी लगती है। और ये इसमें चारा डाला जाता है, ये वो जानवरों की जिसको चन्नी कहते हैं। तो ये देखिए पूरी इसमें खाली पड़ी, ऐसा लग रहा है कि इसमें हफ्तों से चारा ना पड़ा हो, ना यहाँ कोई दाना दिख रहा है ना चारा दिख रहा। और अभी अभी जो गांव के लोग थे उनसे ये जानकारी मिली कि यहाँ गौवंश खत्म हो जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता, भूखे मर रहे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं कहीं भी पूरी चन्नी में कहीं चारा नहीं, ना यहाँ पे कोई जिम्मेदार है, ना यहाँ जो सेवा करता है इन सब जानवरों की, ना तो वो यहाँ मौजूद, कोई बंदा यहाँ नहीं मौजूद है। हम लोगों को जब पता चला तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई देखते हैं क्या माहौल है। देखिए सब ये सारे जानवर जो यहाँ अंदर कैद है इस गौशाला में, इनके खाने चारे की कोई व्यवस्था नहीं। और ये भी पता चला है गाँव के लोगों द्वारा कि दिन में एक बार ही दिया जाता है, वो भी सूखा भूखा डाल दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो ये गौशाला चला रहे हैं या जो इनकी देखरेख कर रहे हैं, हमारा निवेदन है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय सीतापुर से और हमारे जो एलिया ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी है उनसे, इस गौशाला की जांच करके मानक विहीन व्यक्ति बनी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे गौवंश को हमारी कोई दिक्कत ना आए। ये सब चीज आपके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है, जो भी है आपके सामने। हरे चारे की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है, सूखा चारा थोड़ा सा पड़ा है, सैकड़ों गौवंश है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।